इस पूछड़ी के लोटा के दर्शन हो गए हैं, वहाँ से निकल गए हैं और अब जा रहे हैं हम दूसरे अपने डेस्टिनेशन पे। तो परिक्रमा के बीच में काफ़ी सारे जो है दर्शन करने के लिए स्पॉट आते हैं। पहुँच गए हैं दान घाटी मंदिर और ये देखो कितना सुंदर सजाया हुआ है लाइट से। आपने जो दर्शन पहले हमारे व्लॉग में करे थे वो दिन के करे थे, अब रात के नाइट में दर्शन कीजिए और अभी उतर के दर्शन करवाते हैं आपको। और अभी क्या है कि होली की वजह से पूरा सजाया हुआ है और भीड़ ज़्यादा नहीं है लेकिन है थोड़ी बहुत भीड़। और ये देखो कितने सुंदर अद्भुत दर्शन हो रहे हैं, अभी जाके भी आपसे आपके दर्शन करवाऊँगा। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट राज महाराज की जय। ये देखो पहुँच गए हम, बाकी अभी चल रहे हैं वहाँ पे, वहाँ से दिखाता हूँ आपको दर्शन वैसे कर। तो जब हमने अपना व्लॉग चैनल स्टार्ट किया था तो हमने शुरुआत भी यहीं से ही करी थी और भगवान हमारे पे ऐसे ही कृपा बनाए रखे और हम हमारे साथ साथ आप सब पे हमारे YouTube परिवार पे। हम आ गए हैं मंदिर के अंदर, गोवर्धन मंदिर के अंदर। तो कुसुम सरोवर पहुंचने वाले हैं गाइस, आपको कराते हैं कुसुम सरोवर के दर्शन। तो गाइस पहुंच गए कुसुम सरोवर और कुसुम सरोवर ये देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है, आप लोग दर्शन कीजिए। और ये जो परछाई देख रहे हो ये पानी है सरोवर की, सरोवर में, और ये परछाई दिख रही है सामने, बहुत ही सुंदर अद्भुत। जैसे हम पहुंचे यहाँ पे लाइट भाग गई कुसुम सरोवर की, अब देखो नज़ारा कुछ भी दिख रहा। और अभी आपको दिखाए थे, अभी लाइट आई थी लेकिन एकदम से चली गई लाइट, अभी दोबारा आ जाएगी और तब देखते हैं। इसके इशू को दिख गया गाड़ी और जैसे ही जिसे गाड़ी दिखती है जिद करता है बैठने के लिए। तो ये देखो बैठ गया इधर गाड़ी में, देखो बहुत ही सुंदर दर्शन। ये है कुसुम सरोवर और आप लोग कर रहे हैं अभी कुसुम सरोवर के दर्शन। और यहाँ की चाय बड़ी फेमस है, यहाँ हम चाय पीने के लिए रुके थे और दर्शन करने के लिए रुके थे आप लोगों को दर्शन कराने के लिए। अगर यहाँ कभी भी आओ तो इसकी चाय ज़रूर पीना, बहुत अच्छी चाय बनाई भाई, दिल खुश हो गया। ये देखो दर्शन, दर्शन करो आप लोग। मिलते हैं कुल्लड़ मैगी, ये ज़रूर ट्राई करना। कुल्लड़ चाय तो सुनी थी लेकिन कुल्लड़ मैगी भी हमने देख लिया आज। और यही है दुकान हो अग्रवाल जी चाय और कॉफ़ी वाले, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही। कितने रुपए की है? 60 रुपये। 60 रुपये की, ये 60 रुपये की मैगी है, ये बनाते हैं लोग। ये देखो ये दिखाना। तो गाइस अभी डिनर हो रहा है रात का और ये चावल खिला रहे हैं। मैं खिला रहा हूँ चावल, चावल 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 और ये खा रहा है पापड़। और किशु कर रहा है शैतानी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो किशु शैतानी, अभी इसे चोट लगवा ली अपने मंदिर की सीढ़ियों से गिर गया और यहाँ पे चल रहा है खाना। तो खाने में आज डिनर में हमने बनवाया है कढ़ी चावल, पापड़ है, रोटी है। इधर जॉर्डन खाना खा रहा है, सब खाएगा, वैसे नहीं खाएगा। हाँ जॉर्डन को सूखी रोटी खानी पड़ रही है, सूखी नहीं है, सब्जी है, सब्जी नहीं है। उसको दही या मलाई से खाना होता है, अंडा खाना होता है, तो आज यहाँ अंडा हम लेके नहीं आ सकते थे तो इसलिए हम उसको सब्जी से रोटी खिला रहे हैं, आलू से, आलू गाजर मटर, आदि बहुत ही बढ़िया डांस करता है फुल बीट पे। किशु को डांस दिया था, आदि को बहुत बढ़िया डांस आता है। आदि आदि
तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो आज है डे टू, हमें गोवर्धन में गोवर्धन महाराज की जय और गोवर्धन महाराज के दर्शन कीजिए। आज हमने भंडारा कर रखा था तो भंडारे में पहुंच गए हम और फुल आनंद ले रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं भंडारे में और होली भी खेल ली हमने आज। और मैं दिखाता हूँ आपको, आवाज़ नहीं आ रही, गाने चल रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आप डांस देखो, ये चल रहा है भंडारा यहाँ पे। चाय है और आगे और यहाँ चल रहा है डांस खाने के साथ साथ। इतना सारा गुलाल लगा दिया मेरे को। मेरे डिम्पी और किशु आ गया है। प्रसाद आ जाओ आंटी जी, आप भी ले लो आप भी आ जाओ, प्रसाद ले लो, आ जाओ भाई, सेवा करते हुए। अरे अरे गुलाल इधर में जाओ। भाग खेलन गोपाल बरसानी में गावे ख्याल राज जी महाराज के दर्शन और यहाँ पे हनुमान जी महाराज भी है, ये देखो
और कुछ ये बैठे पेड़ पे, और ये रहे गिराजी पर्वत का कुछ हिस्सा यहाँ से दिखता है, और जो हमने भंडारा कर रखा है वो यहीं है, ये रहा उधर चल रहा है, इधर गाड़ियाँ खड़ी है अपनी, और ये देखो आपको करवा रहे हैं दर्शन गिराज महाराज जी के, और ये हनुमान जी महाराज भी आ गए यहाँ पे, हनुमान जी के दर्शन भी करो साथ साथ, हनुमान जी की मूर्ति बना रखी है अंदर ही। बोल गिरिराज महाराज की जय। देखो ये सब गिरिराज पर्वत है पूरा, और ऐसा है मेरा लुक, मैं पी रहा हूँ चाय अभी फिलहाल, और ये परिक्रमा मार्ग है पूरा। तो गाइस निकल चुके हैं अब गोवर्धन से, और अभी भंडारे के बाद ही हमें तुरंत निकलना पड़ा एकदम इमरजेंसी में, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हमारे साथ शैतान बच्चा है जिसका नाम है कीशु, इसने हमें रात पूरी रात परेशान करा, और पूरी रात जो हम परेशान रहे, रीजन बीइंग कि पूरी रात रोता रहा, पूरी रात रोया अगला, और मैंने कोशिश भी करी कि क्या नाम है चुप हो जाए, डिंक भी पूरी रात नहीं सोई, और उसके बाद भी सुबह से परेशान करने लग रहा है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। अभी देख लो, अभी भी नहीं मान रहा था, अभी भी मान नहीं रहा, ठीक है, जिद्दी इतना हो गया कि पूछो मत। तो जाना तो हमें था वृंदावन और बांके बिहारी जी के दर्शन करने, लेकिन इसकी वजह से हम वहाँ पे जा नहीं पा रहे, क्योंकि आपको पता ही है कि ये बहुत ज़्यादा शैतान बच्चा है और सुनता नहीं है बिल्कुल भी, रात से परेशान है, पता नहीं किसी से रिलेटेड क्या दिक्कत है इसको, रात इसके मुंह पे भी कल शाम को ना गिर गया था तो हल्की सी मुंह पे भी चोट लगी थी, तो हो सकता है कि उसका दर्द हो गया हो, उसका दर्द हो रहा हो, लेकिन ये कल रात 5 घंटे रोया, और 5 घंटे में 5 घंटे पूरी रात कल डिम पे भी नहीं सोई, और मैं भी फिर उठ ही गया था सुबह 5 बजे, और जब से हम परेशान ही हैं तो हमने सोचा कि इससे बढ़िया तो घर ही चलते हैं, घर जाके अपना ये भी रेस्ट कर लेगा, जॉर्डन भी रेस्ट कर लेगा, और हम भी रेस्ट कर लेंगे। तो भाई जब अभी एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे ना, और आई थिंक एक बच्चा जो है वो मर गया है, करके देखना पड़ेगा, तो लगा के साइड में देख के आता हूँ एक बार। तो गाइस अभी चढ़ चुके हैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे, और जो भी पीछे एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो बच्चा था, मतलब बच्चा 12-13 साल का होगा, तो उसको चोट लगी थी, तो मैं गया था चेक करने की, वो मर तो नहीं गया, लेकिन वो मरा नहीं था, वो उसको बेहोश हो गया था, तो थोड़ा मतलब सांस वास उसको एकदम झटके से सांस आई थी, लेकिन उसके जो चोट ज़्यादा लगी थी उसे भी और उसके बाप को भी, और बस मैं तो ये कहूँ भगवान उस सही रहे, सुरक्षित रहे, बच जाए, ज़्यादा चोट ना आए, क्योंकि माँ बाप का बहुत दिक्कत है उसके, मतलब चार लोग थे वो, और तो मैं इसमें तो यही कहूँगा कि वो सेफ रहे, और उसके फादर जो था वो भी था उसके साथ, मतलब वो भी सेफ रहे। और अब हम निकल चुके हैं एक्सप्रेस वे से, और ये देखो कितना सुंदर नज़ारा, बड़ा ही सुंदर है एक्सप्रेस वे ना, ये ईस्टर्न नहीं है, ये वेस्टर्न पेरिफेरल है, जो ये कुंडली दिल्ली और नीचे से जा रहे हैं, और इधर से जाएंगे तो हम नोएडा पहुंच जाएंगे, और इधर से सोनीपत भी निकल सकते हो, पलवल भी जा सकता है, ये पलवल से मुड़ता है रास्ता ना, तो मिलते हैं आपसे घर पहुंचने के बाद। तो गाइस ये देखो एक्सप्रेस वे पे खेत है, ऐसा लग रहा है जैसे मैदान होता है वैसे लग रहा है, एकदम दूर दूर तक खराब मैदान है, काफी अच्छा लग रहा है।